नमस्कार, एंटी करप्शन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शारदा जायसवाल। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और महानगर पालिका द्वारा कई नए नियम लागू किए गए। इस वक्त हम उपस्थित हैं तुलिंज ब्रिज के ठीक नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस तैनात है। जिस तरह से लॉकडाउन जारी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी किया गया है। और आप ठीक तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से जो लोग आ रहे हैं, जैसा कि आज ईद का त्यौहार है, लोग बिना वजह के घर से बाहर ना निकले या फिर निकल रहे तो उनसे पूछताछ किया जा रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं। उनसे उनका आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है और उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर वो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना पर काबू पाने पर हम असफल हो जाएंगे। एंटी करप्शन न्यूज़ एंड व्यूज़ के टीम की तरफ से हम आपसे विनती करते हैं कि आज ईद का त्यौहार घर पर मनाएं, बिना वजह के घर से बाहर ना निकले और सुरक्षित रहें।